जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली असम राइफल की जो नई वैकेंसी है उसके ऊपर है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको डिटेल देने वाला हूँ पूरी, टोटल क्या क्राइटेरिया, कितनी एज है, कितना इसका फिजिकल मापदंड है, और ये जो नई वैकेंसी की जो अपडेट आई है, नई नोटिफिकेशन आई है, इसके फॉर्म वॉर्म आप कैसे भर सकते हो, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। साथ ही दोस्तों मैंने SSC GD की कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, फिजिकल की, एग्ज़ाम की, मेडिकल की, और मेडिकल में कौन कौन से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं SSC GD में, किस प्रकार का मेडिकल होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, और आप जाके भी चैनल ओपन करके भी देख सकते हो दोस्तों। तो ज़रूर अगर आप SSC GD की तैयारी करें तो ज़रूर देखिए दोस्तों। तो अब बात करते हैं इस भर्ती की कि जो असम राइफल की जो वैकेंसी है, इसमें आपको पता है कि इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, और ये वैकेंसी एक बार पहले भी आई थी लेकिन फिर वापस डिले कर दी गई है, लेकिन इस बार इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो भी आ चुकी है कि 1 मार्च से पहले पहले आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, और 6 अप्रैल इसकी एक्सपेक्टेड डेट दी गई है इस रैली की कि भाई 6 अप्रैल। तो असम राइफल की जो ये वैकेंसी, इसमें ये केवल मतलब किसी असम विशेष राज्य से नहीं है, टोटल ऑल ओवर इंडिया की है। इसमें सभी प्रकार की पोस्ट हैं, राइफलमैन की मतलब जो जनरल ड्यूटी की है, कलर की है, वाशरमैन, कुक, क्लर्क, और मतलब सभी टाइप की जो वैकेंसी होती है, जैसे वॉशरमैन हो गया, कुक हो गया, धोबी हो गया, सफाई वाला, सभी प्रकार की, कई प्रकार की मतलब इसमें वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वॉशर जनरल ड्यूटी की है उसकी वैकेंसी है इसमें, जो उसका क्राइटेरिया जो इन्होंने बताया उसकी एज है 18 से 23 साल, और कुछ स्टेट में 18 से 25 साल, कुछ कंडीशन में जिनको छूट दी गई है उसमें 18 से 25 साल, नहीं तो नॉर्मली 18 से 23 साल इसकी एज रखी गई है। बाकी इसके अलावा इसमें कोई विशेष अलग से SC ST OBC के लिए छूट नहीं दी गई है। हाँ, मेघालय, शिलोंग, उधर उस एरिया के लिए कुछ विशेष छूट दी गई है, या असम से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ इसमें अलग से छूट दी गई दोस्तों। इसकी जो हाइट का जो मापदंड है 170 सेंटीमीटर है नॉर्मली, और जो क्लर्क पोस्ट के लिए उसका 162 सेंटीमीटर है, ट्रेडमैन के लिए भी 170 है, क्लर्क और सॉरी GD और ट्रेडमैन के लिए हाइट का जो क्राइटेरिया है वो 170 सेमी है। इसके अलावा जो क्लर्क है या उस प्रकार की जो पोस्ट हैं उन सभी के लिए 162 सेमी है, मतलब कम है, जो आपने आर्मी में देखा होगा उसी प्रकार से इसमें भी हाइट की वहाँ पर छूट दी गई। इसके अलावा जो फिजिकल मापदंड नॉर्मल होते हैं वो सभी फिजिकल मापदंड है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको मैं बता दिया हूँ 1 मार्च है। फॉर्म भरने का जो तरीका है वो है ऑफलाइन और मेल, यानी आप ईमेल भी कर सकते हो और ऑफलाइन भर के पोस्ट भी कर सकते हो। जो मेल ID है, इसकी जो मेल ID है वो मेल ID में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए उसकी किस मेल ID पर आपको मेल करनी है, उसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी पूरी डिटेल में बता देता हूँ। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 10th क्लास, अगर आप 10th क्लास और 12th क्लास दोनों प्रकार की वैकेंसी है इसमें, अगर आप 10th क्लास से फिल करते हो तो 10th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, 4 रिसेंट फ़ोटो हो गई, मूल निवास, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके ID प्रूफ है उसमें आधार कार्ड है, परिचय पत्र है वो ID प्रूफ, और अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी फ़ोटो लेके वो आप मेल कर सकते हो, मेल के द्वारा भी ये फॉर्म भर सकते हो। इसकी जो मेल की जो ID है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, वहाँ पर आप ले सकते हो उसको। इसके अलावा जो ऑफलाइन फॉर्म है उसका एड्रेस भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, आप वहाँ से वो एड्रेस कॉपी करके लिख सकते हो और फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 10वीं पास प्लस 12वीं पास है, या आपके पास में अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसकी एक शर्त भी है कि ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पहले कोई ना कोई परिवार का मेंबर असम राइफल में सर्विस करता हो, मतलब या तो कोई जैसे शहीद का परिवार है, या किसी कारणवश किसी की मेडिकल कमी की वजह से उनको फोर्स से निष्कासित किया हो, मतलब बाहर कर दिया गया हो, या जिनका कोई ना कोई रिलेशन रहा है इस वैकेंसी, मतलब ये रिलेशन की वैकेंसी है स्पेशली असम राइफल में। तो अगर आप अभी तक इसके बारे में नहीं सोचते, आपके परिवार में से कोई भी असम राइफल में रहा है, तो आप इस वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और सभी प्रकार की इसमें पोस्टें दी गई है। तो आप इसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है ऑफलाइन और ऑनलाइन, या जीमेल से आप इसके फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।